Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. In this video, we will learn about all other types of the flip-flop. So the very first type of the flip-flop is the JK flip-flop. So before commencing the idea of the flip-flops, I would like to take your consideration on one point, which is कि जितने भी flip-flops हैं, इनके basic operations क्या होते हैं? हम जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हम ले रहे हैं इन सारे फ्लिप फ्लॉप का फ्लिप फ्लॉप के बेस जस्ट तीन बेसिक ऑपरेशन हैं सो थ्री बेसिक ऑपरेशन हैं ये जितने भी हम फ्लिप फ्लॉप लेंगे इनका पहला ऑपरेशन होता है कि सेट द बिट वन रीसेट द बिट टू ज़ीरो एंड थर्ड ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट द प्रीवियस स्टोर्ड आउटपुट राइट सो कॉम्प्लीमेंट द प्रीवियस स्टोर्ड आउटपुट ये बेसिक तीन ऑपरेशन होते हैं इन तारों के तो डिपेंड कर रहा होता है कि हम जितने भी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से ये हर फ्लिप फ्लॉप कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है समटाइम वी डू वांट के हमसे भी कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेशन आते हैं कि बस फ्लिप फ्लॉप कॉम्प्लीमेंट करे बाकी दो ऑपरेशन ना करें समटाइम वी वॉन्ट के जो है वो प्रीवियस स्टोर्ड इनपुट जो है वही आगे जो है वो रहे जो पहले से इनपुट हमने दिया वही रहे सो इस तरह करके फ्लिप फ्लॉप्स की जो है डिफरेंट टाइप्स को डिज़ाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट्स के तो फ्लिप फ्लॉप में आगे जो फर्स्ट टाइप है जेके फ्लिप फ्लॉप इस जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है ये जेके फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से जेके फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर सकते हैं तो हमने हर चीज़ के बारे में क्या याद रखना है हर फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन करेक्टरिस्टिक टेबल और आगे चल के डेरीवेशन के लिए स्टेट टेबल बनाना और स्टेट टेबल ड्राइव कैसे होता है ये तीन चीज़ें हमें हर फ्लिप फ्लॉप के लिए जो है वो आनी चाहिए तो इस डी फ्लिप फ्लॉप का अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी फ्लिप जे फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप से किस तरह से डराइव किया गया तो ये एक सर्कुलेटरी लगी हुई है हमारे पास जो कि इसके डेरिवेशन में हमें हेल्प करती है सो देखिए ये जे इनपुट है एक हैंड गेट लगा हुआ है और आगे ये क्यू बार के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रहा है क्यू बार के साथ कनेक्टेड है और ये क्यू आगे दूसरे हैंड गेट के साथ कनेक्टेड है और एक हमारे पास जो है वो के को इन्वर्ट करके लिया जा रहा है और आगे ये और गेट है तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से लिखी जा रही है तो अगर हम ये देखें इस एंड गेट की इक्वेशन को देखा जाए तो डी इनपुट पे एक्चुअली में क्या आ रहा है डी इनपुट के ऊपर और गेट की आउटपुट आ रही है तो ये एंड गेट की एंड गेट क्या कर रहा है ये कर रहा है जे डॉट दूसरी इनपुट किसके कहाँ से आ रही है क्यू बार से और अगर इस एंड गेट की आउटपुट को देखा जाए तो ये क्या है ये है एक्चुअली हमारे पास के बार और क्यू आउटपुट है तो ये जो और गेट है ये क्या कर रहा है डी इनपुट के ऊपर ये हमारे पास दोनों जो हैं ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो डी इनपुट के ऊपर आ रही है तो अब इसका आगे करेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं और वहाँ से हमें इसकी मजीद वर्किंग जो है वो क्लियर होगी कि एक्चुअली जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है ये इसकी वर्किंग जो है किस तरह से दूसरे फ्लिप फ्लॉप से डिफरेंट है तो दिस वाज द डेरिवेशन कि हम डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से जेके फ्लिप फ्लॉप को किस तरह से डराइव कर सकते हैं और ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये इसकी हर एक फ्लिप फ्लॉप की अपनी एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कि अगर आपने किसी भी फ्लिप फ्लॉप को डराइव करना है तो आप उसको ड्राइव कर सकते हैं अगर आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसकी याद हो तो इसको आईसी की शक्ल में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जे इनपुट है के इनपुट है ये क्यू कॉम्प्लीमेंट और एक क्यू इन क्यू आउटपुट है हमारे इसी तरह से टी फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास एक अनदर टाइप अब टी जो फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप भी हम जे के फ्लिप फ्लॉप की मदद से भी ड्राइव कर सकते हैं और हम टी फ्लिप फ्लॉप की मदद से भी ड्राइव कर सकते हैं अगर टी फ्लिप फ्लॉप की मदद अगर टी फ्लिप फ्लॉप आपने जे के फ्लिप फ्लॉप की मदद से ड्राइव करना है तो सिंपली इसकी एक इनपुट को जे और के की इनपुट के साथ कनेक्ट कर दें कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं अगर डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से आपने कनेक्ट करना है ऑब्वियसली दिस डेरिवेशन जो है वो हमने सिलेबस में नहीं इंक्लूड की हुई कि ये वाई द क्वेश्चन इसके वाई एक्सक्लूसिव गेट हम इसके साथ कनेक्ट क्यों कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जेम्प्ट किया हुआ है इस पार्ट से इस ट्यूटोरियल से अगर डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम टी फ्लिप फ्लॉप की जो है वो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो हम सिंपली एक एक्सक्लूसिव और गेट लगा देंगे और एक इनपुट जो है वो क्यू के साथ कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये एक्सक्लूसिव और गेट लगा हुआ है तो डी इनपुट के ऊपर क्या जा रहा है तो हमें ये पता है डी इनपुट के ऊपर टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू सो हमारे पास अगर देखा जाए एक्सक्लूसिव और के लिए तो एक्सक्लूसिव और के लिए यही एक्सप्रेशन लिखा जाता है अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं टी एक्सक्लूसिव बार क्यू अब चूँकि जे के फ्लिप फ्लॉप सिंपल वही ले रहे हैं हम इसका मतलब ये होगा कि जो फिर जे के फ्लिप फ्लॉप की एक्सप्रेशन होंगी हमारे पास वही वाली एक्सप्रेशन यहाँ पे जो है वो डी जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप के लिए जो है हमारे पास
जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ की जाती है। तो इसी तरह से हम पिछली जो एक्सप्रेशन हमने देखी है डी के लिए, जब खाली सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप लगाया था तो ये लगाया था। अब यहाँ पे अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो हम यहाँ पे टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू जो है वो लेके चलें। सो एक एक्सक्लूसिव और हमने गेट जो है वो पीछे जो है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ। फिर उसके बाद आगे चलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अगर देखें तो हमें ये पता लगता है कि जो टी फ्लिप फ्लॉप है हमारा, टी फ्लिप फ्लॉप में एक टी इनपुट है और बस सिंगल एक टी इनपुट है और हमारे पास क्यू है और क्यू बार है आउटपुट है। अब इनकी हर एक फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखते हैं और करेक्टरिस्टिक टेबल को देखते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं। यहाँ से हमें इसकी वर्किंग ज़रूर बेहतर तरीके से क्लियर होगी। शायद पीछे आपको क्लियर ना हुई हो, आपको डिज़ाइनिंग पार्ट समझ आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वर्किंग क्लियर होगी कि इन में सारों में फ़र्क क्या है। सो वन इमेज पे एक स्लाइड के ऊपर आपको सारा डिफरेंस नजर आएगा। सो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डाटा लैच या डी फ्लिप फ्लॉप डाटा फ्लिप फ्लॉप हम इसलिए कहते हैं कि जो इनपुट पे होगा वही आउटपुट पे लिखा जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि हर फ्लिप फ्लॉप कोई ना कोई तीनों कोई फ्लिप फ्लॉप तीन ऑपरेशन करता है, कोई दो कर रहा होता है कोई एक कर रहा होता है। तो अगर आप जीरो देते हैं तो हम अपने फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को रीसेट कर रहे थे, और अगर हम वन देते हैं तो अपने फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम सेट कर रहे थे। जैसे मैंने पहले फर्स्ट स्लाइड के ऊपर बताया कि आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप है उससे बेसिक तीन काम ही करा रहे हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप को हम दो तरीक़ों से डिफाइन करते हैं कि ये सेट और रीसेट भी करता है, दूसरा जो इनपुट के ऊपर होता है वही आउटपुट के ऊपर लेके चले। तो जेके फ्लिप फ्लॉप, अब जेके फ्लिप फ्लॉप का सबसे पहला काम यह है कि अगर आप 0 0 इसके इनपुट के ऊपर देंगे तो ये प्रीवियस स्टेट को ही रखेगा जो भी पहले से स्टोर है। अच्छा, ये क्यू टी प्लस वन जो आपको नज़र आ रहा है ये है एक्चुअली में नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट से मुराद ये है कि जब आपने कोई इनपुट दी तो आपने इनपुट दी कोई टी टाइम के ऊपर, जो आपकी आउटपुट आई वो टी प्लस वन टाइम के ऊपर आएगी। यानी कि देखिए गेट्स के अंदर भी डिलेज होते हैं, हम जब आगे रेस अराउंड कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हम गेट्स यूज़ करते हैं डिजिटल लॉजिक गेट्स जो हम आईसीज यूज़ करते हैं इनमें भी डिलेज होते हैं। तो उन डिलेज की वजह से हम कहते हैं कि आपने अगर टी टाइम इनपुट टी टाइम पे कोई इनपुट दी तो वो आउटपुट टी प्लस वन टाइम के ऊपर जाके एग्जीक्यूट हुई। सो इसलिए हम क्यू टी प्लस वन पे एक नेक्स्ट स्टेट मान के जो है वो चलते हैं। तो 0 0 पे जो पहली स्टेट है वही रहेगी। अगर आप 0 1 रख देंगे तो ये पहले जो भी वैल्यू है फ्लिप फ्लॉप में स्टोर्ड हुई उसको रीसेट कर देगा, और 1 0 के ऊपर ये क्या करेगा, ये 1 0 के ऊपर उसको सेट कर देगा। 1 0 इनपुट के ऊपर ये क्या कर देगा, बिट को ये फ्लिप फ्लॉप को आउटपुट का 1 सेट कर देगा। सो मैंने जैसे पहले बताया कि हर फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी होती है, तो इसमें जो है ये तीन चार फंक्शंस जो है वो तीन चार पर्पज़ के लिए जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है 1 1 1 1 पे जे के फ्लिप फ्लॉप की बात खास बात ये कि ये टॉगलिंग करता है। टॉगल से मुराद ये कि अगर आप 1 1 देंगे क्लॉक पल्स देंगे तो पहले जो भी इनपुट होगी ये इसको 0 कर देगा, फिर क्लॉक पल्स जब एक्टिवेट होगी तो पहले जो भी इनपुट होगी इसने उसको उसका कॉम्प्लीमेंट ले आना। तो अगर पहले इनपुट है 1 तो ये 0 ले आएगा, अगर 0 है तो ये 1 ले आएगा, अगर 1 है तो ये 0 ले आएगा। हर क्लॉक पल्स के ऊपर जब आपने एक बार क्लॉक पल्स दी है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये एज ट्रिगर्ड है, तो देखें यहाँ पे एज कितनी बार आ रही है मेरे पास, एक बार दो बार आ रही है। तो पहले वाली एज के ऊपर फ्लिप फ्लॉप को ये पता लगा कि इनपुट 1 थी, पहले से स्टोर्ड 1 थी तो मैंने 1 1 इनपुट दी हुई है, तो ये 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा। उसके बाद जब दोबारा से एज आएगी तो फिर 0 को ये दोबारा 1 कर देगा। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टॉगलिंग। टॉगलिंग इज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग, इसलिए क्यू बार टी यूज़ किया। टी फ्लिप फ्लॉप का देखा जाए तो टी फ्लिप फ्लॉप में हम ये कहते हैं कि आप सिंपल एक इनपुट दें 1, और 1 इनपुट के साथ आप पहले से स्टोर्ड जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी पहले से स्टोर जो वैल्यू उसको आप टॉगल करा सकते हो। अगर आप 0 देंगे तो पहले वाली स्टेट ही क्या रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी। अब करेक्टरिस्टिक टेबल के बाद इनकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप को देखें तो डी फ्लिप फ्लॉप से हमें ये पता लगता है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये जो भी डी इनपुट होती है उसी को आगे लेके चलता है। जेके को देखा जाए तो जेके फ्लिप फ्लॉप से हमें ये पता लगता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट में एक्चुअली कौन से वाला ऑपरेशन शो करता है, एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन शो करता है। जे और के आपस में एक्सक्लूसिव और होते हैं। इसी तरह से टी और टी फ्लिप फ्लॉप को देखा जाए तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है टी और क्यू, टी और पहली स्टेट जो क्यू है उसके दरमियान में एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन जो है वो एग्जिबिट करता है। तो अगर 0 होगा तो वही स्टेट रहने देगा, अगर इनपुट 1 होगी तो हर क्लॉक पल्स के ऊपर ये आउटपुट को क्या करता रहेगा, टॉगल करता रहेगा। सो क्लॉक पल्स के बाद हम एक डेरिवेशन कर ले देंगे। हमारे पास ये जो इक्वेशंस आ रही हैं, ये करेक्टरिस्टिक टेबल जो हमने पीछे आपने करेक्टरिस्टिक जेके फ्लिप फ्लॉप का ये जो करेक्टरिस्टिक टेबल देखा है अभी,
ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल एक्चुअली कैसे ड्राइव किया जा रहा है, तो ये स्टेट टेबल से ही ड्राइव किया जा रहा है। तो देखिए स्टेट टेबल से हमारे पास कैसे ये वाला टेबल जो है वो ड्राइव किया जा रहा है। देखिए जे के इनपुट है, हम कहते हैं कि अगर आपने जे के पे इनपुट दी 0 0 और पहले से स्टोर था 0, तो आउटपुट क्या आएगी, तो 0 ही रहेगी। अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या, अगर पहले से स्टोर 1 है तो फिर आउटपुट क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। इसका मतलब है कि 0 0 पे जे के फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को चेंज नहीं करता, बल्कि जो पहले से वैल्यू सेव होती है उसी को, जो पहले से बिट स्टोर्ड होती है उसी को बिट एन करता है। सो देखिए ये दो बातें हमने स्टेट टेबल से लर्न की, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लर्न की, तो ये बात हमने इस टेबल में आकर लिख दी। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक टेबल बना। देखिए यहाँ पर मैं छोटी सी करके बात लिख दी कि 0 0 पे क्या करता है, ये कोई चेंज शो नहीं करता। इसी तरह अगली इनपुट को देखें अगर आप 0 1 के ऊपर, तो 0 1 पे पर्पस क्या होता है कि इसने रीसेट करना है, जो भी कुछ होगा इसने आउटपुट के ऊपर क्या लेना है, 0 लाना। अगर 0 होगा तो 0 0 ही रहेगा, अगर 1 होगा तो उस 1 को क्या कर देना है, 0 कर देना। तो देखिए पिछले टेबल में हमने यही चीज़ लर्न की कि अगर 0 1 होगा तो इसने आउटपुट पे 0 ले आना, रीसेट कर देना है, जो भी हो 0 हो या पहले से 1 स्टोर्ड हो इसने उसको 0 ही जो है कॉन्स्टेंट कर देना। थर्ड इनपुट को देखें, थर्ड इनपुट पे हमने देखा था कि अगर 1 0 हो तो इसने आउटपुट को क्या करना है, सेट कर देना है, 1 सेट कर देना, आउटपुट को 1 सेट कर देना है। तो अगर 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा पहले से स्टोर 1 होगा तो वो 1 ही रहेगा। लास्ट हमने टॉगलिंग की पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन करेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर, अब 1 1 देंगे तो ये टॉगल करेगा, अगर पहले से 0 स्टोर्ड है तो उसको 1 कर देगा और अगर पहले से 1 स्टोर्ड है तो उसको 0 कर देगा। तो इसकी फिर हमें, जो मैंने स्टार्ट में एक सवाल किया था कि हमें कैसे पता लगा कि ये इक्वेशन इसकी जो है वो ड्राइव हो रही है, सो हमने ये स्टेट टेबल बनाया और इस स्टेट टेबल की मदद से हमने इसकी ये वाली इक्वेशन ड्रा की। तो हम एक के मैप लेते हैं, के मैप हम ड्रा करते हैं, 3 वेरिएबल के मैप लेते हैं जे के और क्यू टी के दरमियान, यानी कि हमने एक 3 वेरिएबल के मैप लिया इस तरह से, एक 3 वेरिएबल के मैप है, 3 वेरिएबल के मैप लिए 2 4 6 और ये 8 8 हमारे पास सेल बन गया। तो यहाँ पे हमने ले लिया जे इनपुट को ले लिया और यहाँ पे हमने के और क्यू और टी को ले लिया। तो अब देखें ये कौन कौन सी माइन टर्म्स, 1 हमारे पास कहाँ कहाँ पे आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये 0, ये 1, ये 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ऑलराइट, तो देखें ये 0, ये 1, तो 1 के ऊपर 1 आ गया, 1 2 3, ये 4, तो 0 1 2 3, ये 4, 5 5 के ऊपर भी 1 आ गया, 6 6 के ऊपर भी 1। तो ये ग्रुपिंग बनाई हमने, ये ग्रुपिंग ली और इन दोनों के पेयर बनाए। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से तो जे कॉमन नहीं आएगा, जे कॉमन नहीं आएगा हमारे पास, जो है वो कॉमन नहीं आएगा, हमने जे लिया हुआ है, हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें पता है टू टेबल में यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे है 0 0 और यहाँ पे 0 1 होता है। सो इसलिए k बार q आ गया। सो इसी तरह से बाकी j q बार को भी हमने जो है यहाँ से ड्राइव किया हुआ है। सो ये 0 है और ये 1 है, तो ये 1 हमारे पास j आ गया और इन दोनों का जब लिए तो इन दोनों में हमने कॉमन देखना है, यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे हमारे पास बाकी के मैप वाला वही तरीका है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गन मचा दिया, 0 0 जैसे यहाँ पे होता है हमारे पास 0 0 0 1 1 1 और 1 0। सो यहाँ पे ये वाला 0 कॉमन है तो क्यू बार कॉमन है, इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ड्राइव की गई है। आई थिंक अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं ये बड़ी आसानी से आपको बता सकता हूँ कि ये 0 0 लेके ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0, और ये इनपुट थी हमारी जे की और यहाँ पे हमने लिया था के, के और क्यू लिया हुआ था। तो ये था हमारे पास 0 और 1। अब आप ग्रुपिंग के लिहाज से इक्वेशन को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जे के फ्लिप, इसी जिस तरह से जे के फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन में ड्राइव की है, इसी तरह से हम स्टेट टेबल की मदद से बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो इफ़ यू गाइस लाइक दिस कंटेंट गिव थम्स अप, थैंक यू।